इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश का जिंदा सबूत मिला है। 10 दिन के ऑपरेशन में उरी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा है। यह ऑपरेशन उरी सेक्टर में चलाया गया। 19 साल का पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर पकड़ा गया है और उसने खुद कबूल किया कि वह लश्कर का आतंकी है और वह पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा का रहने वाला है। अली बाबर ने मुजफ्फराबाद के गढ़ी हबीबुल्ला में लश्कर की कैंप में ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद उसे घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान की ओर से भेजा गया और इस दौरान वो पकड़ा गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 19 साल का है अली बाबर और ये पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान के पंजाब में ओकारा का रहने वाला है। इसने ना सिर्फ अपने घर का एड्रेस दिया, उसने अपने घर वालों का फोन नंबर भी दिया। उसने पूरा खुलासा किया कि किस तरह से इस 19 साल के लड़के को पाकिस्तान में पहले ब्रेन वॉश किया गया, फिर मुजफ्फराबाद यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां लाया गया, वहां के गढ़ी हबीबुल्ला में लश्कर के लोगों ने इसे ट्रेनिंग दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना की मदद के जरिए हथियारों का जखीरा लेकर इसे भारत में घुसपैठ के लिए भेजा गया, जिस दौरान ये हमारे फोर्सेस के जद में आ गया और फिर इसने और ये हथियारों के साथ पकड़ा गया। जो हथियार आप देख रहे हैं, ये तमाम जो मैगजीन्स देख रहे हैं, AK सीरीज के राइफल्स जो पकड़े गए थे, करीब 7 राइफल्स मिले हैं, इसके अलावा 80 ग्रेनेड मिले हैं और साथ ही साथ 9 पिस्टल बरामद किए गए हैं और ये सभी हथियार इन आतंकियों से मिला। एक आतंकी इसमें मारा भी गया है। सेना के GOC मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत में पाकिस्तानी आतंकी के जिंदा पकड़े जाने और उसके लश्कर कनेक्शन की पूरी डिटेल दी। हमारे साथ इस समय 19 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर हैं। सर, कितना बड़ा ऑपरेशन था और जो अप्रिहेंडेड टेररिस्ट है उसने क्या जानकारी दी, किस तरीके की जानकारी मिली? ये ऑपरेशन की शुरुआत 18 सितंबर की रात को हुई। 18 सितंबर की रात को जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उनका एनकाउंटर हुआ एक टेररिस्ट के ग्रुप के साथ जो फेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद एक फायर फाइट हुई। उसके बाद जो सिचुएशन का हमने जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप में 6 आदमी थे, 2 फेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और 4 फेंस के पाकिस्तानी साइड थे। फायरिंग शुरू होने के बाद जो 4 का ग्रुप जो पाकिस्तान की साइड था फेंस के, वो अंधेरे और उबड़ खाबड़ ज़मीन का जंगल का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान की तरफ रिट्रीट किया हमारे फायर के प्रेशर में, और ये जो 2 टेररिस्ट थे ये फेंस क्रॉस करके हमारी साइड आए। इन टेररिस्ट को ट्रैप करने के लिए काफ़ी फोर्सेस मोबिलाइज की गई। ये एरिया काफ़ी सिविलियन पॉपुलेशन भी है, तो हमारा मकसद था कि कोई सिविलियन नुकसान ना हो। और 18 की रात को ऑपरेशन हुआ, 19 सुबह से हमारा कॉर्डन इस एरिया में इफेक्टिव हो गया था। उसके बाद अगला कॉन्टैक्ट टेररिस्ट के साथ 25 रात को हुआ है, लेकिन 18 की रात से और 25 तक कई बार इन्होंने कॉर्डन से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें भी फायरिंग हुई। उसके बाद 25 रात को जब नाले में ये 2 का ग्रुप छुपा हुआ था, फायर फाइट शुरू हुआ। फायर फाइट में एक टेररिस्ट 26 की सुबह को मारा गया। 26 की सुबह जब ये टेररिस्ट मारा गया तो उसका जो साथी था उसकी हमें चिल्लाने की आवाज़ आई कि मुझे बख्श दो। तो प्रिकॉशंस लेते हुए, नियते आदमी पर फायर करना हमारी टीचिंग में नहीं है, तो अपनी सेफ्टी का प्रिकॉशंस लेते हुए इसका सरेंडर हमने कबूल किया। सरेंडर के बाद जब इससे बातचीत हुई, आपकी बातचीत भी इससे करवाएंगे, तो इसने खुलासा किया कि ओकारा पाकिस्तान दीपकपुर गांव का है और इसने पर्टिकुलर्स दिए। अपनी माँ का इसने टेलीफोन नंबर दिया है, इसने डिटेल्स दी अपनी ट्रेनिंग की, इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, लश्कर तैयबा तंजीम का है ये, तो इसने काफ़ी वो जानकारी हमें दी है। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट है, अगर आप देखें 18 सितंबर को भी एक अटैम्प्ट हुई थी, ये लगातार पाकिस्तान से अटैम्प्ट हो रही हैं। ये एक डेस्परेशन जाहिर करता है कि कश्मीर में जो पीस और स्टेबिलिटी के हालत हैं, जाहिर है पाकिस्तान उससे खुश नहीं है। ये उसी जगह से हुआ जहां से उरी अटैक का प्लान किया गया था, जहां से वो हुआ और उसका सपोर्ट करते हुए पाकिस्तानी आर्मी की जो पोस्ट है जबरी, क्या वहां से उनको सपोर्ट मिला पूरा? देखिए, जो हमें खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप के साथ में 3 पोर्टर पाकिस्तान साइड से आए थे, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल फेंस तक आए थे, और पाकिस्तान जाबरी पोस्ट है जो कि इस एरिया को डोमिनेट करती है।
तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस तरह की लार्ज स्केल मूवमेंट होना तभी हो सकता है जब पाकिस्तानी सेना कोई भी सेना इसमें कॉम्प्लिसिट हो, वरना आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इतनी खुली छूट मूवमेंट की नहीं होती। तो हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी इसमें अप्रूव होती है। ये वही एरिया है जहां से जी हाँ, और ये जो सलामाबाद नाला है इसके थ्रू जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट कोशिश की गई थी, ये एक पुराना फेवर्ड रूट रहा है क्योंकि काफ़ी यहाँ पे अंडरग्रोथ है, नाला है, डिफिकल्ट टेरेन है, और इसी पे 2016 में कोशिश की गई थी इन्फिल्ट्रेशन की जब उड़ी में सुसाइड अटैक हुआ था। देखिए हम एक स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि 6 का ग्रुप था, 2 न्यूट्रलाइज हो गए, 1 न्यूट्रलाइज हो गया, अप्रेहेंड हो गया, 4 वापस चले गए, कुछ सामान हमें मिला है, तो इनका क्या इंटेंट था? जाहिर है कि इट वॉज मोर देन जस्ट अ सप्लाई ड्रॉप, एंड इसने जो बताया है इसकी पट्टन, इसकी डेस्टिनेशन पट्टन बता रहा है ये कि इनको पट्टन में जाना था। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। और ये हमारे साथ डिव कमांडर थे जो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल जिस जगह पर हम हैं ये ठीक सामने का एक्सेस जो है वो वही एक्सेस है जो कि इस्लामाबाद नाले से कनेक्ट करता है, और उरी अटैक जब हुआ था तो इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए जो फिदाइन 4 आतंकी थे वो आए थे। एक बार फिर से इनकी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग को पूरी तरीके से भारतीय सेना ने विफल किया। कैमरा पर्सन असलम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, उरी। और उरी में आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसका नाम सेना ने ऑपरेशन बलवान रखा था, और इस ऑपरेशन की डिटेल बता रहे मनीष प्रसाद। ऑपरेशन बलवान की माइन्यूट डिटेल बता रहे हैं, आज से ठीक 5 साल पहले यानी 18 सितंबर के दिन उरी अटैक हुआ था, ये वही जगह है, और इसी जगह को एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद नाले के जरिए पाकिस्तान ने प्लानिंग की कि एक बार फिर से उसी दिन एक बड़ा अटैक प्लान कर सके, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन बलवान के तहत इसे पूरी तरीके से फॉइल कर दिया। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है पूरी पोजिशनिंग इस ऑपरेशन बलवान की। दरअसल ये पूरा एक्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद एक्सेस है और चकोटी गांव है। चकोटी गांव का एरियल डिस्टेंस करीबन 2 से 3 किलोमीटर है। हम आपको ये बता दें कि टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के तौर पर जाना जाता है। उसके अलावा ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चेलाबंडी, दूधनियाल जैसे कई और टेरर कैंप भी हैं, और यहीं से पाकिस्तान ने साजिश रची। फिर उसके बाद जैसे ही ये एंटर किया तो उसके बाद ये 6 की संख्या में आतंकी थे जिसमें से भारतीय सेना ने स्पॉट किया। स्पॉट करने के बाद 4 आतंकी वापस चले गए, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं कर पाए, लेकिन 2 अंदर आ गए जिसमें से 1 आतंकी जो है पीछे की तरफ छुपा और नाले से होते हुए आगे की तरफ बढ़ा। पहला कांटेक्ट 25 तारीख को हुआ जिसमें भारतीय सेना के इसी ऑपरेशन बलवान के तहत जो कंपनी कमांडर, बहुत ही यंग कंपनी कमांडर है, उसने अपने स्टिक के साथ उस पर दबाव बनाया और फिर उसके बाद 1 को न्यूट्रलाइज किया। दूसरा जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ उसके बाद वो रोने लग गया, उसने भारतीय सेना से दुहाई की कि उसे जिंदा बचना है, और फिर उसके बाद ठीक इसी जनरल एरिया में जो कि इस्लामाबाद के बिल्कुल पास का एरिया है यहां पर भारतीय सेना ने उसे डिटेन किया। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन में 10 दिन तक करीबन 300 से ज्यादा जवान और ऑफिसर्स एक साथ अलग अलग जगहों पर काम करते रहे। उसकी वजह थी कि कहीं से भी वो नहीं चाहते थे कि वो ये जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट है सक्सेसफुल हो जाए और बड़ा आतंकी हमला प्लान हो सके। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन जो इनका मेन मोटो था वो था कि पाटन जाकर ये वेपन को ड्रॉप करे और इस बीच में जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट बनाए। इसीलिए भारतीय सेना का ये बड़ा ऑपरेशन अब पूरी तरीके से जो 2 आतंकी थे जिसमें से 1 को मार गिराया गया और 1 को अप्रिहेंड किया गया, और इस आतंकी की जानकारी इंडिया टीवी के पास है, ये ओकारा का रहने वाला है। उसके अलावा इसने अपनी मां की डिटेल बताई, 3 महीने तक गढ़ी हबीबुल्ला के टेरर कैंप में इसकी ट्रेनिंग हुई जहां पे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई के लोग थे, और ये पूरी डिटेलिंग इस समय भारतीय सेना और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस से साझा की गई है। और आर्मी ने जिस पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ा है उसके पास से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन बलवान में जैसे ही इस आतंकी जिसकी उम्र करीबन 18 साल से ठीक ऊपर है उसको अरेस्ट किया गया, उसको पूरी तरीके से चेक किया गया और उसके पास से ये रिकवरीज हुई। दरअसल इस पूरे फेंस के एरिया में जो कि इस्लामाबाद है उसके दूसरी तरफ चकोटी का टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है और पाकिस्तान की जबरी पोस्ट है, ये उनके पास से रिकवरी है, यानी 2 AK-47, उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैगजीन्स, और ये ग्रेनेड चाइनीज ग्रेनेड, उसके अलावा एक पिस्टल है, कटर है ताकि फेंस की जो तारे हैं यानी जिसे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम कहा जाता है उसे वो काट के अंदर आ सके। करीबन 200 राउंड के लगभग ये गोलियां हैं, और यही नहीं बल्कि वो अपने साथ ये कैमो वाला बैग और ये बैटरीज मेडिसिन लेकर आए थे। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वो केमिकल जो कि जिसकी बात अभी की जा रही है, उसको फॉरेंसिक जांच किया जा रहा है और उसकी डिटेलिंग चेक की जा रही है। अपने साथ वो साथ में मेडिसिन पट्टियां लेकर आए थे जिसपे पूरी डिटेलिंग है। उसके अलावा इस पे जो पाकिस्तान का मार्क है वो इस पर है, और ये पाकिस्तान को एक्सपोज करता है कि पाकिस्तान की ये प्लानिंग एक बार फिर से कि जिसमें वो
लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत में अनस्टेबिलिटी ला सके, लेकिन इस ऑपरेशन के जरिए एक बार फिर से पूरी तरीके से इस आतंकी साजिश को भारतीय सेना ने फॉइल किया। हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल वो ये जो मील रेडी टू ईट है, ये पाकिस्तानी आर्मी इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन इन आतंकियों के पास ये था। उसके अलावा जो बैटरीज हैं इसमें पाकिस्तान की मार्किंग है, ग्लव्स मिले हुए हैं, कैमो के साथ साथ ये जैकेट्स और साथ में जो बरसाती का एरिया है, बरसाती है, ये भी दरअसल पाकिस्तानी आर्मी इसको यूज करती है। इसमें मेडिसिन, इक्विपमेंट और ये ड्रग्स हैं। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी इनको ड्रग्स देती है, उसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स, ताकि जब स्टैंड ऑफ फायर हो तो ये लंबे समय तक रह सके। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो केमिकल है, दरअसल इसकी वजह से इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इसको जांच कर रही है, इसके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है, क्योंकि जब 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ था तो उस दौरान भी इसी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल किया गया और फिर ज्यादा तबाही मची। तो इसी को देखते हुए अब ये पूरी तैयारी की जा रही है और अब भारतीय सेना फॉरवर्ड लोकेशंस को सिक्योरिटी टाइटन कर चुकी है। कैमरा पर्सन असलम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, उरी। अब उरी में एलओसी पर 10 दिन से चल रहा सेना का ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। जब यह ऑपरेशन ऑन था तब सेना ने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया, कैसे घुसपैठ पर बड़ा एक्शन लिया, इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने ग्राउंड जीरो से इस पर एक रिपोर्ट भेजी है। आज से ठीक 5 साल पहले इसी जगह पर ठीक सामने सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की थी। आज इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से वही तस्वीर जहां भारतीय सेना 2400 घंटे अलर्ट है। मेरे ठीक पीछे कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है जिसकी रेंज 1000 मीटर इफेक्टिव है और इसी कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने फॉरवर्ड लोकेशंस को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के जो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया था। हम इस समय भारत पाकिस्तान सरहद पर उरी सेक्टर पर हैं। मेरे ठीक सामने पाकिस्तान का खोजाबंडी इलाका है जहां पे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई मिलकर घुसपैठ वाली साजिश रच रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 200 आतंकी इस समय अलग अलग 27 टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पर हैं। हम एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम यानी जिसे तारबंदी कहते हैं उसके ठीक आगे हैं और मेरे ठीक सामने पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन और पाकिस्तान की पोस्ट है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश को भारतीय सेना ने नाकामयाब किया है जिसमें एक आतंकी को मार गिराया है और यहां तक कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। आज सर्जिकल स्ट्राइक को 5 साल हो चुके हैं, ऐसे में भारतीय सेना कहीं से भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर रही है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने तीतवाल इलाके में सीज फायर वायलेशन किया तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। फॉरवर्ड लोकेशन के ठीक सामने जो पाकिस्तान के टेरर कैंप हैं जिसमें चेलाबंडी, आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चकोटी और इन फॉरवर्ड एरियाज के साथ साथ जो एडजॉइनिंग पाकिस्तानी आर्मी जो हमारे ठीक सामने 5 सिंध की पोजीशन है वहां से भी वो घुसपैठ में पूरी मदद कर रहे हैं। जब भारतीय सेना ने इसी जगह पर 23 तारीख को एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें आतंकियों को मार गिराया, 3 आतंकियों के पास से रिकवरीज भारी मात्रा में हुई। हमें इस बात की भी जानकारी मिली कि करीबन 1.5 करोड़ के लगभग वो अपने साथ करेंसी लेकर अंदर की तरफ आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जब 3 आतंकियों को मार गिराया गया तो 2 आतंकी जिसमें से एक आईएसआई एजेंट भी था वो वापस भाग निकला। अफगानिस्तान की वजह से यहां पर तालिबानी जो आतंकी या लश्कर और जैश के आतंकी हैं वो भी घाटी में आ सकते हैं, इसीलिए मुस्तैदी और बढ़ाई गई। भारत पाकिस्तान की सरहद पर जहां एक तरफ पाकिस्तानी आईएसआई और आर्मी घुसपैठ के लिए लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भेज रही है तो वहीं तालिबानी आतंकी यहां ना आए या अफगानिस्तान में जो आतंकी थे वो ना आए इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। इनपुट इस बात का मिल रहा है कि मौसम के बदलाव से पहले पहले पाकिस्तान एक बार फिर से घुसपैठ वाली साजिश को अंजाम दे सकता है, इसीलिए इंडिया टीवी आपको भारत पाकिस्तान की सरहद के उरी सेक्टर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि खासतौर पर यह सामने का इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहां से घुसपैठ की लगातार कोशिश की जा रही है जिसको भारतीय सेना पूरी तरीके से नाकामयाब कर रही है। रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उरी में कितनी बड़ी थी पाकिस्तान की यह साजिश। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।